आज फिर से मैं आप सबको स्वागत करता हूं स्पेशल वेबिनार सीरीज में। और आज हमारे साथ प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, चेयरमैन AICTE हैं, एंड ही इज गोइंग टू बी द कीनोट स्पीकर फॉर टुडे। एंड वी आल्सो हैव श्री एम नागराजन, कमिश्नर हायर एजुकेशन एंड बोर्ड मेंबर ऑफ IHAB एंड वेरी इन्वॉल्व ब्यूरोक्रेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन दिस इनोवेशन इकोसिस्टम। टुडे दिस सेशन विल बी मोर ऑफ एन फायरसाइड चैट in which we'll be talking to Anil ji and trying to pick his brain on one single point agenda. We have recently the National Education Policy unveiled, and this policy has a very path-breaking roadmap for taking India from orbit 1 to orbit 2 using education as a lever. Aur usme bhi is baar honorable prime minister ji ne jo baat kahi smart india hackathon ki program ke dauran, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये जॉब क्रिएटर्स ज्यादा बनाने के लिए मददगार होगा रदर दैन ओनली जॉब सीकर्स। तो हमने उसी थीम पे आज चर्चा रखा है अनिल जी के साथ कि ये जो पॉलिसी है, बिकॉज डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ AICTE, चेयरमैन ऑफ AICTE, वाज वेरी क्लोजली इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग दिस रोड मैप ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके माध्यम से किस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके रिलेक्शन में आज ये कन्वर्सेशन रखेंगे। प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे इज चेयरपर्सन ऑफ AICTE। बिफोर दैट ही वाज एट IIT गुवाहाटी। ही वाज आल्सो द यू नो चेंज मेकिंग डायरेक्टर ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे फॉर ए लॉन्ग टाइम। एट COEP ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट हाउ विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन के द्वारा असीमित संभावनाओं की किस तरीके से प्रकल्प किया जा सकता है वहां पे उन्होंने किया। एज एन आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन बिल्डर ही हैज टेकन AICTE टू न्यू लेवल, न्यू ऑर्बिट ऑल टुगेदर। इससे पहले ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन UGC और जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्हें सिर्फ एक रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से देखा जाता था। जब से प्रोफेसर सहस्रबुद्धे पिछले टर्म में इसको टेक ओवर किए और लीड कर रहे हैं, तब ये सिर्फ एक रेगुलेटर ना बन के ये एक फैसिलिटेटर की भूमिका में भी काम कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग की भूमिका में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो भारत की जो प्रॉमिसिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी यूथ के लिए बनी है, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी हो, जिसको सार की मार्गदर्शन में उस टाइम की राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी ने लॉन्च किए थे 16 नवंबर 2016 को, या फिर 2018 में MHRD के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पे सब यूनिवर्सिटीज के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी बना, उसकी भी मेन ट्रिगर अनिल जी थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अंडर हिज लीडरशिप जो भी प्रोग्राम्स आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हैकेथन हो गया, IIC हो गया, आर्या हो गया, ये सब प्रोग्राम के पीछे उनकी ब्रेन है। उन्होंने इस चीज को कंसीव किया, अच्छी टीम बनाई और राष्ट्रीय स्तर पे इसको जमीन पे ले गए। तो पिछले 5 साल में स्टूडेंट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में जो गुजरात में हम लोग काम कर रहे हैं उसको एक फिलिप मिला, उसको एक मोमेंटम मिला, उसको एक मैंडेट मिला, और उसके पीछे भी प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी का काफी बड़ा योगदान है। और ओवरऑल जो स्टूडेंट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट है, और जब भी गुजरात में आते हैं ही डेफिनेटली फाइंड्स आउट टाइम 1-2 घंटा हमारे स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को मिलने के लिए। इनफैक्ट मुझे याद है 2014 में सबसे पहली बार जब वो आए थे तो LD इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो ICPC बिल्डिंग है वहां पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप 25 स्टार्टअप्स को हमने इकट्ठा किया है, वुड यू लाइक टू स्पेंड हाफ एन आवर। उन्होंने 3 घंटा उन स्टार्टअप से बात किए, दैट वीडियो इज स्टिल अवेलेबल ऑन इंटरनेट। वी हैड अ वेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, GTU हैं, जो स्टेट हैं, गुजरात हैं, इन सबको स्टार्टअप्स के पीछे सिस्टमेटिक काम करने की जरूरत है। और उसी कन्वर्सेशन के बाद ही ये स्टूडेंट इनोवेशन और स्टार्टअप्स की बातचीत को नया आयाम मिला, नया मोमेंटम मिला, और फिर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी बनाई, फिर गुजरात गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अंजू मैडम के लीडरशिप में, भूपेंद्र सिंह जी की लीडरशिप में स्टार्टअप पॉलिसी बनाए, और उस टाइम की जो GTU की वाइस चांसलर थे अक्षय अग्रवाल साहब, उनकी चेयरपर्सनशिप में अनिल जी ने एक कमेटी बनाई कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको कैसे कर सकते हैं, और उसी का रूप स्वरूप प्रोफेसर संजय इनामदार और अग्रवाल साहब ने उसको लीड किया और भारत में पहली बार स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी बनी। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, पॉलिसी में और एक्शन में सर इज अ रियल बेंचमार्क, एंड टुडे टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक नो अदर देन हिम कुड हैव बीन डन जस्टिस टू दिस एजेंडा। सो हैविंग सेड दैट, आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट नागार्जुन सर टू सर इज वेलकम एड्रेस। थैंक यू हिरण भाई, बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे अपने बीच में है और सेशन में संडे होने के बावजूद हमको टाइम देने का उन्होंने वादा किया था और आज हाजिर भी हैं।
और ये इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए उनकी डेडिकेशन क्या है और उनकी मार्गदर्शन में हम लोग और भी अच्छा काम कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की ट्रांसफॉर्मेशन से लेके स्टूडेंट स्टार्टअप और इसकी जो नया मुहिम है उसको पायनियर के रूप में उन्होंने काम किया है। तो जो लगता था कि कॉलेज के बाद लड़का 3-4 साल इधर उधर भटकेगा, ट्रायल एंड एरर करेगा, फिर एक स्टार्टअप बनेगा, तो उसकी आधी यूथ तो उसी में चली जाती है। तो उसको जब वो उग रहा है सूरज, तभी उसको हमें सही तरीके में सही मायने में ले जाना चाहिए। तो कैच देम यंग, ये फिलॉसफी को बढ़ावा देने के लिए जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी का शुरुआत हुआ और अभी आज तो राज्यव्यापी हो गया है गुजरात में, एंड गुजरात हैज सेट अनदर रोल मॉडल इन हाउ टू प्रमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द स्टूडेंट इकोसिस्टम विद द सपोर्ट ऑफ मेंटर्स हु आर द टीचर्स, क्योंकि टीचर्स तो वहां परमानेंट रहते हैं। तो हर साल उनके हाथ में जो 300-400 बच्चे आते हैं, उसमें से अगर इवन 10-20% बच्चों को वो सही तरीके से इंस्पायर कर सकें, उनका आइडिया को मार्केट तक लेके जाने की एक रास्ता दिखा सकें, और मेंटर भी करते करते और अच्छे होते जाएंगे। तो ये जो इनोवेशन और स्टार्टअप की जो कल्चर है वो नॉट जस्ट एक मुहिम नहीं, एक कल्चरल में फिट हो जाएगा, और गुजरात के लिए ये अच्छा फिट भी है। तो इसी सिलसिला में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आज की टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंस्पायरिंग एकेडमिया टू नर्चर जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूथ को करना है, जरूरत है इंडिया के लिए, वो सही तरीके में आया है। एंड आई थिंक प्रोफेसर भी एक्सेप्ट करेंगे कि समर्थन देंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज द फर्स्ट पॉलिसी जहां पे लोगों ने बोला है कि पॉलिसी अच्छा है, अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। हर बार जब कुछ नया पॉलिसी आता है तो बोलेंगे कि अरे इसको तो छोड़ दिया है, उसको छोड़ दिया है, पॉलिसी थोड़ा आया है, लेट आया है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं आया है, अप टू डेट नहीं है। लेकिन दिस इज वन पॉलिसी जो है फ्यूचरिस्टिक है, पॉलिसी प्रिस्क्राइब करता है कि हमको इस तरीके से जाना है, ऐसे जाना है कि ताकि हम इंडियन से ग्लोबल, गोइंग वोकल फॉर लोकल एंड ऑल्सो थिंकिंग ग्लोबल, दोनों को कैसे मिलन किया जा सकता है। इसकी बहुत ही इंस्पायरिंग फ्रेमवर्क हम सबको मिला है। तो एज ए यंग पीपल हु आर वर्किंग इन दिस, वी फील इंस्पायर्ड कि अगर इतना अच्छा पॉलिसी एनवायरमेंट हमको मिल सकता है तो हमको इसको कन्वर्ट करना चाहिए। तो उस सिलसिला में आज की जो सेशन है हम सबको बहुत ही न्यू आइडियाज दे सकता है। और मैं शुरू करूंगा प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे साहब से कि सर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें इनोवेशन को एपिसेंटर में रखा है, तो इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ हाउ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इनोवेशन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सर्वप्रथम श्री नागराजन जी आपको धन्यवाद, आप हायर एजुकेशन के कमिश्नर हैं और मेरा दोस्त हिरणमय महंता आई हब को पूरे के पूरे कार्य में झुक दिया है, और उसमें से जो हमको मिलने वाला है फ्रॉम आउट ऑफ सच डिस्कशंस क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी से हम एक्शन में आएंगे। तो परसों प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे वो आपके राज्य से ही ओरिजिनली आते हैं, तो उनका आपने राज्य में काफी प्रभाव भी है। और मेरे ख्याल से 2-3 चीजें जो कही, पॉलिसी तो आती रहती है, पॉलिसी पॉलिसी जो आती है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो ऐसा अलमीरा में पड़ा रहता है, ऐसे भी कई पॉलिसीज है हमारी पहले। और दूसरा है ऑन द अदर साइड पॉलिसी एक सर्कुलर के रूप में आप सब लोगों को फॉलो कर रहे हैं, लिख दिया, तो ये दोनों छोड़कर जो पॉलिसी यानी नीति है उससे एक कंटिन्यूअसली एक्शन प्लान बनाने के लिए रोड मैप बनाना, उसमें रिसोर्सेस को जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि जो आप कह रहे थे नागराजन जी सही है कि पॉलिसी तो अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, पहले भी कुछ पॉलिसी अच्छी थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो पॉलिसी में जो जिक्र किया गया है इनोवेशन के बारे में वो अलग अलग तरीके से आता है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं नवाचार जो है इट इज समटाइम्स कॉल्ड इंक्रीमेंटल। सी एक्चुअली इनोवेशन का डेफिनेशन भी अलग अलग जगह में अलग होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च। रिसर्च में दो टाइप का होता है, एक रिसर्च ऐसा है जिसमें फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर यानी कैसे क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है ये हम देखते हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल सम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। जो अप्लाइड रिसर्च है वो रिसर्च को यूज करके हाउ डू वी डेवलप सम टेक्नोलॉजीज विच इज यूजफुल। कई बार जो बेसिक रिसर्च का
एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च होने में कई 10-40 साल 30 साल भी लग जाते हैं कई जगह में, क्योंकि इट इज अहेड ऑफ द टाइम, उसका टाइम नहीं आया उसके पहले ही रिसर्च हो गया, कभी कभी वो लेट भी आता है, दोनों होते हैं। लेकिन इनोवेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इनोवेशन नीड नॉट बी ए फुल फ्लेज्ड सम इंडिजिनस अलग तरीके का कोई रिसर्च हो गया, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो हम आसपास जो एग्जिस्टिंग चीजें देखते हैं उसमें क्या परिवर्तन करने से और भी बेहतरीन तरीके से हो सकता है, यानी सिंपल सिंपल चीजें हैं, लोगों ने तो ट्रैक्टर तो पहले से है या ऐसी इंजन पहले से है, लेकिन उसी का उपयोग अलग अलग जगह में कैसे कर सकते हैं। वो ट्रैक्टर तो फील्ड में चलाने के लिए तो है ही है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे कई जगह में, कई जगह में उसको जो क्रॉप आता है उसको निकालने के लिए यूज करेंगे, तो उसी का मल्टीपल यूज जैसे होता है वैसे ही लोगों ने छोटे इंजन में वो जो आपके गन्ना का रस निकालने के लिए उसका प्रयोग किया, कोई बहुत सारे इनोवेशन है आपके जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स है हमारे हाथ में, जैसे मैकेनिकल में है इंजन टर्बो मशीन एटसेट्रा ऑन वन साइड, एंड इन इलेक्ट्रिकल मोटर एंड जनरेटर, एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स, दीज आर बेसिक थिंग, इसको यूज अलग अलग तरीके से करके अलग अलग उपयोग होते हैं। अब आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ड्रोन, ड्रोन जो है उसमें 4 मोटर है या 3 मोटर है या 6 मोटर है, 8 मोटर का भी बना सकते हैं, लेकिन यू हैव ऑल अराउंड सी इम्पोर्टेंट थिंग बैलेंसिंग है, क्योंकि वो ऐसा जगह में रखना है कि वो 7 करने से प्रॉब्लम आ जाएगा, 13 करने से शायद प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए 3 रोटर 120 डिग्री ईच या 4 या 90 डिग्री ईच, ऐसे वो करके उसमें जब एक साथ में घूमेगा तो इट कैन लिफ्ट, एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मोटर, द कैपेसिटी ऑफ द मोटर, व्हाट वेट इट कैन टेक इज डिसाइडेड। सो नाउ डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, अब एग्रीकल्चर में उसको इस्तेमाल करना है तो पीपल विल यूज इट विद कैमराज, and it will look at what is the crop, what is kitna grow ho raha hai, koi wahan keeda laga hai kya, and then you give a suggestion, and also those kind of even drones which will spray the required things so that the keeda mar jayega. So all such kind of things are minor innovation. Security ke liye on the border where you cannot take your aircraft, you send your drones and capture information for the for our defense purposes. If there is smuggling, narcotics happening, you can send your drones and capture that data. See, I said drones ka ho gaya. Similarly, I said about engine hai, uska bhi istemal alag alag. To ye jo cheeze ho sakti hai, ye kaise ho sakti hai, kyun ho sakti hai? To ek to we always say invention kaise hota hai? तो डिफिकल्टी जब आती है तब हम सोचना चालू करते हैं, एक एक टाइप का इन्वेंशन ऐसा होता है, मुझे मजबूरी है अभी इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए तो हम कुछ जुगाड़ करके उसको निकाल लेते हैं। लेकिन दूसरा टाइप है, हम हमारा आंख ओपन करके घूमते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हमारे 5 senses, वेरी इंपॉर्टेंट senses, टच, टेस्ट, स्मेल, आंख एंड कान, ये 5ों का जो भगवान ने नेचर ने दिया हुआ है उसका करेक्ट इस्तेमाल यदि करेंगे तो अपने आप बहुत सारे इनोवेशन होते जाएंगे। तो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका बढ़ावा कैसे होगा इसके बारे में सोच है। तो सिंपल एग्जांपल मैं एग्जामिनेशन सिस्टम से चालू कर रहा हूँ कि हमारा जो एग्जाम है जो केजी से लेकर पीजी तक, जो बच्चा 3-4 साल का जो केजी में जाता है, लोअर केजी अपर केजी वगैरह टू द पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, एम टेक हो, एम आर्च हो, एम ए हो, एम कॉम हो, अब क्वेश्चन पेपर निकालो सारे यूनिवर्सिटी का, अब देखो 90% ऑफ द क्वेश्चन में वो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टोरी लिखो, हाँ उसका फॉर्मूला डिराइव करो, ये करो, उस टाइम में कौन राजा था, उसका क्या हुआ हिस्ट्री में, साइकोलॉजी, ऐसे क्वेश्चन, यानी आप किताब जो 400 पढ़ने का है उसको पूरा रट्टा मारो और एग्जाम में जाओ, उसी में से क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आपको मालूम है क्योंकि आपने यहाँ ब्रेन में स्टोर किया हुआ है, उसको बाहर निकालो, लिख लो, 100 में 90 मार्क्स पा लो और बोलो मैं रैंक होल्डर हो गया, गोल्ड मेडल हो गया। लेकिन वो उसका वो राजा ने ऐसा किया उस टाइम में, चालुक्य हो, चाणक्य हो या कौटिल्य हो, ऐसे किसी का उदाहरण लेके भी हिस्ट्री में है, या बाबर का हो या किसी का भी ले लो, तो ये ऐसा क्यों हुआ, उससे क्या लेसन हम लेंगे, पर ये मुझे पता नहीं क्या लेसन होता है, मुझे पता नहीं। वो हिस्ट्री में भी ऐसे है, साइंस में भी ऐसे है, फॉर्मूला मालूम है, ये फॉर्मूला कहाँ उपयोग होता है, क्यों होता है मालूम नहीं। मैथमेटिक्स, सर मैथमेटिक्स का तो और भी कमाल है, जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आते हैं
तो 10th 12th तक तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में कितने स्टूडेंट फेल हो जाते हैं मैथमेटिक्स में। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोला डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस ये सब जो पढ़ाते हैं, हम आया इंजीनियरिंग में, ये सिखा रहे कोई इक्वेशन, इसका उपयोग कहाँ है मालूम नहीं है। तो अनलेस वी लिंक एवरी सब्जेक्ट कोर्स विद द एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स विल नॉट गेट चार्ज्ड अप एंड गेट इंटरेस्टेड। सो अभी फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन जो स्टडीज होता है या इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, वहाँ बेसिकली LCR सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल में, और इसमें स्प्रिंग डैम्पर और एक जो मास होता है उसका होता है, मास होता है देन डैम्पर होता है और स्प्रिंग होता है, ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल वालों को वो बताने से मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में, तो आपने तो LCR सर्किट देख लिया, इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, और यहाँ मैकेनिकल में स्प्रिंग है, आपके पास एक डैम्पर है और एक मास है, ये दोनों का कोरिलेशन क्या है सर, ये कहाँ पढ़ा है सर, ये पढ़ा है नहीं हमको मालूम ही नहीं। तो उसका इक्वेशन दोनों का फाइनली सेम है, सॉल्यूशन इक्वेशन सेम है, तो हाउ दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इज इंप्लीमेंटेड इज व्हाट इज मिसिंग। और इसलिए ये जो नया पॉलिसी में एग्जामिनेशन में अदर देन रोट लर्निंग वी हैव टू मूव अपर एंड अपर इन द इकोलॉन्स ऑफ लर्निंग एंड व्हाट वी कॉल एज फ्रॉम द वेस्ट इट हैज कम एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बट ये हमारे देश में पुरातन काल में ये सब था, लेकिन हम भूल के अभी बाहर से ले रहे हैं, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, डेटा एनालिसिस, एनालिटिक्स, सिंथेसिस और क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और आपका जो क्रिएटिविटी है, जो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन करके, ये सब चीजों को आपको करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए, ऐसे यूनिवर्सिटी के हम वर्कशॉप ऑलरेडी ले रहे हैं, हमारी पॉलिसी अनाउंस की है, बट इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है कि उससे इनोवेटिव स्टूडेंट्स तैयार होंगे। और जब क्वेश्चन आता है मन में तो पूछने का देखिए अधिकार भी है और उतना ही आप जोर से पूछना भी चाहिए, डर डर के नहीं रहना है क्लासरूम में, क्लासरूम इज मेंट फॉर एंजॉयफुल लर्निंग एंड नॉट फॉर टेंशन, नॉट फॉर यू नो अंडर प्रेशर। तो मन में आया कि टीचर ने कुछ पढ़ाया लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया, या उसका दूसरा कुछ देखा है मैंने वो अप्लाई होता है कि नहीं, ऐसे डाउट आया, लेकिन पूछने से कहीं टीचर मुझे डांट देता है करके एक मन में। और टीचर्स भी यदि कुछ स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कई बार टीचर को मालूम नहीं रहता है, लेकिन मालूम नहीं बोलने से मेरा इंसल्ट होगा, टीचर कैसे हो गया मैं, इतना भी नहीं आता है कि ऐसे स्टूडेंट को लगेगा, इसलिए टीचर भी क्या करते हैं, एक तो बेवकूफी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है तो बोलेंगे, नहीं तो दूसरे और बोलेंगे कि इतना सिंपल चीज भी नहीं है क्या, जाके देखो बुक में, ऐसे बोल के अपना फटा लेंगे। ये दोनों न करते हुए यदि सही में नहीं आता है तो उस स्टूडेंट को अपना ऑनेस्टली बोलना कि ये मेरे टाइम में नहीं था भाई, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछा, मैं इसके बारे में सोचूंगा और मैं भी कुछ इंटरनेट से किताब से देख के कल आके बताऊंगा। ये बोलने का सामर्थ्य जो है वो टीचर में चाहिए, और टीचर को मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ ऐसा धैर्य स्टूडेंट में होना चाहिए। ये इसमें से यदि हो जाएगा तो हम छलांग मारते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सर, टीचर जो है अभी ओनली टीचर नहीं है, एक लर्निंग फैसिलिटेटर है और कोलैबोरेटर भी है, ये बात आपने सही तरीके से रखा है, और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, उससे ज्यादा नॉलेज बढ़ता है स्टूडेंट्स को। इसके साथ सर अभी अभी हम इंडिया की बात करें तो हम टॉप 5 इकोनॉमीज में तो है ही, बट अभी जो यूथ को कन्वर्जन करने के लिए, उनकी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए जो न्यू इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो कैसे हेल्प कर सकता है कि क्वालिटी वर्कफोर्स और इनोवेशन कल्चर बढ़ेगा जिससे हम इकोनॉमिकली टॉप में आ सकते हैं? देखिए ये जो हम 5th ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हो गए हैं, लेकिन हमारा पोटेंशियल अगले 7-8-10 साल के अंदर ही वेरी इजीली हम 3rd तक पहुंच सकते हैं, और उससे आगे जाने के लिए और समय लगेगा और बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, लेकिन 3rd होने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। सिर्फ चाइना और अमेरिका हमारे थोड़ा आगे रह सकते हैं, बाकी सब लोग पीछे चले जाएंगे। इसका महत्व जानते हुए हमारे सिस्टम में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये कहा इनोवेशन, एक तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, उससे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, उससे रिसर्च को डेवलप करना एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ जो है वो सबसे और भी महत्वपूर्ण है स्किलिंग जो है,
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारे यहाँ अभी काफी सालों से हम स्किल वाला जो आदमी है उसको नीचा दिखाते हैं इनडायरेक्टली. वो उतना ही नहीं दिखाते जो ग्रेजुएट वाला है. सभी जगह में समाज में मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि मैरिज मार्केट में भी तो आपका लड़के ने क्या किया, उसने डिप्लोमा किया है या डिप्लोमा इन वोकेशन किया है. नहीं चाहिए दामाद, ऐसा नहीं चाहिए. वो बोलेगा मैंने बीए किया, हाँ ठीक है डिग्री किया, इसको हमको दामाद करने के लिए ठीक है. तो ये जो साइकोलॉजिकल चेंज है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आसानी से नहीं होगा. इतने इतने 70 साल हो गए हम जूझ रहे, लेकिन आप जस्ट आप पीछे जाइए एकदम 2000, 4000, 5000 वर्ष पूर्व, वहां हर आदमी को हर पर्टिकुलर प्रोफेशन को इक्वल वैल्यू था. कुछ डिस्टॉर्शन बीच में हो गया वो बात अलग है, उसमें से कास्ट सिस्टम निर्माण हो गया, लेकिन आप एकदम एंशिएंट टाइम में जाएंगे वहां से लेकर जब तक हमारा नालंदा तक्षशिला भी थे और उतना ही नहीं 1700-1800 के ईस्वी सद तक हमारे यहाँ हर गांव में स्कूल था. ये पता नहीं लोगों को, धर्मपाल का द ब्यूटिफुल ट्री ये किताब देख लीजिए, ब्रिटिशों को अचरज हो गया. एक कैसा एजुकेशन सिस्टम है, हर गांव में उनको सिखाया जाता है और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ट्रेनिंग था. देखिए आज सब जो शब्द प्रयोग है ये हमारे यहाँ पहले से ही चल रहा था, राइट फ्रॉम गुरुकुल सिस्टम से हर आदमी को हर चीज को थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ नहीं है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देता था. और उसी वजह से हमारे इसमें बहुत सारे नए नए आविष्कार भी हुए थे उस समय से ही. आप साइंस में जब भी देखिए, फिजिक्स देखिए, एस्ट्रोनॉमी देखिए, केमिस्ट्री देखिए, योगा देखिए, आयुर्वेद देखिए, हर चीज में हमने उन्नत परिस्थिति क्यों पैदा की, क्योंकि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड देन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ व्हाई हाउ व्हाट वाज बीइंग टॉट. वो समहाउ ए ब्रिटिश सिस्टम 1800 ऑनवर्ड्स जो आ गया हमको उससे पूरा वंचित कर दिया और हम क्लर्क प्रोड्यूसिंग एजुकेशन सिस्टम हो गया. तो अभी जो नई नीति है उसमें 6th स्टैंडर्ड से लेकर दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है. एक तो कोई ना कोई स्किल उसको सीखना पड़ेगा एंड कंप्यूटर कोडिंग 6th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए 6th स्टैंडर्ड से यदि कोई स्टार्ट कर देगा अपना कोडिंग तो बाय द टाइम ही कम्स टू इंजीनियरिंग कॉलेज वो आपके जो भी नए नए लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर है सबका पक्का लेके आएगा तो वो कॉलेज में धड़ाधड़ उसके एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देगा. तो इसलिए एक तरफ वो कोडिंग का है और दूसरा है स्किल की तरफ. स्किल का महत्व तो इसलिए है कि डिग्निटी ऑफ लेबर बढ़ाने के लिए कि छोटा काम कोई नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है. झाड़ू लगाना भी एक स्किल है और साफ सफाई करना भी जब स्किल है, कारपेंट्री भी स्किल है, वर्कशॉप में जो हम अलग अलग फाउंड्री है और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ये सभी स्किल सब इक्वल है ऐसे जब मानेंगे तभी डीवोक को उतना ही वैल्यू मिलेगा जितना बीकॉम और बी को होता है. ये जब हम करेंगे तो अपने आप हम बढ़ जाएंगे. सर आपने जो कोडिंग स्किल की जिक्र किया है तब मैं बचपन में कहानी सुनता था कि जापान में जो है 10th क्लास में जो बंदा पास किया है वो भी एक रेडियो ट्रांसिस्टर असेंबल कर सकता है. एक ऐसी कहावत थी. तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से अगर इंडिया में ऐसी बात चले कि हर 10th क्लास जो पास किया है बच्चा वो कोडिंग में कुछ ना कुछ समझता है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग समझता है, लॉजिकल थिंकिंग समझता है, आई थिंक तो हमारा जो बेस अचीवमेंट लेवल है जो बहुत ही अच्छा रहेगा. तो सर इसमें रिसर्च और इनोवेशन की हम बात करें तो इंडिया में ऐसा है कि थोड़ा फंडिंग रिसर्च इनोवेशन में कम है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसकी फंडिंग कैसे इंक्रीज करें उसके लिए क्या प्रावधान है? हमें वो रिसर्च प्रावधान के थोड़ा पहले आप जो कह रहे थे उसी को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा. देखिए ये नीति आयोग की तरफ से जो अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब्स जो 5000 स्कूलों में दिया है, मेरे ख्याल से जो इक्विपमेंट दिया है वहां 20 लाख के आसपास का इक्विपमेंट दिया गया है और दे आर एबल टू यूज, दे आर बिकमिंग इनोवेटिव. वहां सिर्फ कोडिंग नहीं है, हार्डवेयर भी है. उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम है जहां से वो एक्चुअली गैजेट्स बनाएगा और कई स्कूलों में से ऐसे प्रोडक्ट है जो कॉलेज वाले भी नहीं बना सकते. तो ये जब बचपन से उनको ट्रेनिंग थोड़ी सी मिलेगी और सावल जो क्या बोलते हैं उसको
अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं ना, वो जब प्रावधान हम कर देंगे तो अपने आप वो स्टूडेंट का अच्छा अच्छा बढ़ते जाएगा। तो ये 5,000 से 10,000, 10,000 से 5 लाख जल्दी से जल्दी कैसे कर सके, और उस स्कूल में नहीं तो बगल वाले स्कूलों को भी वहां आने के लिए परमिशन, ये सब करेंगे तो अपने आप इनोवेशन तो हो जाएगा। तो रिसर्च बात है, हमारे यहाँ फंडिंग एजेंसीज जो थी, मल्टीपल फंडिंग एजेंसीज है, MHRD की तरफ से भी फंडिंग होता है और DST से होता है, DBT से होता है और भी AICT से होता है, UGC से होता है। तो रिसर्च को सपोर्ट नहीं हो रहा था ऐसे नहीं है, सपोर्ट हो रहा था, लेकिन वो अलग अलग लोगों को सपोर्ट करने के लिए पैसा देने की वजह से इट वॉज ऑल गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्रेगमेंटेड, और एक जगह में जितना लगेगा उतना नहीं मिल रहा था। तो दो चीजें हो रही थी, एक तो ऐसा है कि एक ही प्रोजेक्ट कोई आदमी कभी लेता था, UGC को भी और DST को भी, दोनों से पैसा लेता था, काम एक ही करना था, और ये कुछ लोग गड़बड़ करने वालों को, कुछ जो सिंसियर थे उनको यदि 40 लाख का रिक्वायरमेंट है, वो इक्विपमेंट खरीदना है, प्रोजेक्ट करने के लिए कंज्यूमेबल्स है, तो एक एक पर्टिकुलर एजेंसी का रिस्ट्रिक्शन है, हम 20 लाख से ऊपर नहीं देगा, हम 25 से नहीं देंगे, तो फिर 40 लाख का जरूरत है और 25 लाख मिलेगा तो कैसे करेगा वो। तो वो करता था यहाँ से 25 लाख, यहाँ से 15 लाख देता था और फिर इकट्ठा करके वही रिपोर्ट दोनों को सबमिट करता था। वो दिस सेकेंड गाय वॉज अ जेन्युइन गाय, उसका सही में जरूरत 40 लाख था, लेकिन यहाँ से 25-15 लेके वो समूह मैनेज करके वही रिपोर्ट नेचुरली, एक काम तो एक ही हुआ है तो इनको भी वही सबमिट करता था। लेकिन लोगों को शक होता था, देखो पैसा दो से लगा के एक ही रिपोर्ट दिया, कुछ काम नहीं किया, ऐसे एक गलत समूह। और दूसरी तरफ कुछ लोग 25 लाख लगता है, लेकिन यहाँ से ले गया, वहां से भी लिया, वहां भी रिपोर्ट दिया, 15 लाख का क्या किया भगवान जाने, ऐसे भी होता था। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज बंद करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विथ ह्यूज फंडिंग फॉर कॉम्पिटेटिव रिसर्च प्रपोजल्स जो आते हैं उसके लिए ये बनने की इसमें सुविधा है, और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट को इक्वलिटी से देखेंगे, इक्विटी बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। नहीं तो पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे वो गवर्नमेंट को सपोर्टिव ज्यादा होते थे और प्राइवेट को जरा थोड़ा कम मिलता था, और कई मिलता भी था उनको 50% अपना पॉकेट से भी डालना पड़ता था। तो ये चीजें जो है वो करीब 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 आयरन आउट होने से देश भर में जहां जहां अच्छी चीजें हैं वहां वहां हो सकता है। दूसरा, कोलैबोरेटिव रिसर्च इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह में सभी एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता है, वी शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड। देयर आर टू थिंग्स इन रिसर्च, वन इज इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी। कोई भी रिसर्च ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स का, ओनली फिजिक्स का, ओनली मैकेनिकल का, ओनली मेडिकल का अभी जमाना चला गया, वैसे कभी हो ही नहीं सकता है। एटलीस्ट 3-4 डिसिप्लिन को मिलकर ही रिसर्च करना पड़ेगा, तभी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हम निर्माण कर सकेंगे। तो एक तो ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ एरिया, सेकेंडली एक इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में है, दूसरा बड़ौदा में है, तीसरा दिल्ली में है, ये लोग कैसे कोलैबोरेट करके करते हैं, क्योंकि वहां एक एक्सपर्ट बैठा है, यहाँ एक बैठा है, वहां एक बैठा है। अब वो मैं साइलोज में काम करूंगा, मुझे जितना आता है उतना ही करूंगा तो मेरा रिजल्ट तो आएगा थोड़ा सा, लेकिन वो जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा। लेकिन हम यदि बड़ौदा का आदमी का भी हेल्प लेंगे, वहां दिल्ली का भी आदमी का हेल्प लेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो रिसर्च पब्लिकेशन में भी जो ग्लोबल रैंकिंग में ये रिसर्च पब्लिकेशन भी बात करते हैं कितने कोलैबोरेशन में हो रहा है वो भी देखते हैं, उसमें भी फायदा होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ तीनों लोगों का ज्ञान का परिमर्जन करते हुए उससे एक बढ़िया सोल्यूशन निकल सकता है। तो इसलिए NRF इज व्हाट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट। एक्सेलेंट सर। अभी सर जैसे अभी इंटरडिसिप्लिनरी की आपने बात किया है, तो उसके आगे सर इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे रहेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, जैसे अभी नया नया इंस्टीट्यूशंस की कैटेगराइजेशन प्रपोज हुआ है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या महत्व रहेगा? नहीं, लोगों को ये टाइप बोलने के वजह से कई जगह में फॉर्चुनेटली नॉट मच रिएक्शंस केम बिकॉज terminology was changed a little bit. Now it is not called research universities, teaching universities and degree awarding universities. Sirf itna hi naam likhte na to shayad bahut sara reaction aata. Ye teaching intensive university, research intensive university, aisa namkaran hai isme. To iska matlab dusra bhi cheez karna hai. Koi bhi educational institution jo hai, wahan yadi teaching chal raha hai to wahan research bhi hona chahiye.
और कितने प्रमाण में होता है, हाई एंड का होता है कि नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन रिसर्च इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एज फार एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड. सिमिलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मींस देयर इज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेयर एवरीवन शुड बी इन्वॉल्वड, एंड अदरवाइज इट वुड हैव बीन ए रिसर्च लैब, जैसे CSIR लैब है या कोई DRDO लैब है, वहां टीचिंग नहीं होता है, दे आर डूइंग रिसर्च. तो सिर्फ रिसर्च नहीं है, रिसर्च यूनिवर्सिटी आल्सो शुड डू टीचिंग एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज आल्सो शुड डू रिसर्च इज वेरी क्लियर, बट वन विल हैव मोर प्रोमिनेंस, मोर प्रायोरिटी ऑन वन एरिया. सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग. थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल इंस्टीट्यूशंस विल सर्टनली बी डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस इन द 15 ईयर्स. The system of affiliation is taken out. In fact, thankfully, Gujarat Technical University Vice Chancellor Professor Akshay Agarwal also was part of the committee, which was called Cow Committee. Cow Committee. Uday Desai, who was actually till the other day IIT Hyderabad director, and such eminent people, when they wrote the report, they said only 4 countries in the world have this affiliation system. That is subcontinent. India, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. दुनिया भर में जाओ, सब जगह में सब लोग ऑटोनोमस है, सब लोग डिग्री अवार्डिंग स्टेटस उनको है, और हम 4 ब्रिटिश ने दिया, उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन हम बैठ गए उसको लेकर. तो इसलिए ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट में था. और इसका प्रयोग वो कमिटी की वजह से नहीं है, शुरू से ही ऑल इंस्टीट्यूशन शुड बी ऑटोनोमस, दे शुड हैव फ्रीडम टू हैव देयर ओन करिकुलम, देयर ओन सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी, देयर ओन फाइनेंसेस. And then they should have their own question paper setting, teaching learning processes, examination and certification. Only degree theek hai, ek university ka thappa lagna hai to wahan se, aur legal framework nahi tha isliye wo hai, lekin usme bhi tha. Autonomous colleges, if they do well and they can apply for a deemed university status and become a degree awarding institution. Ye aaj ka naya hai, aise nahi hai, purane zamane se tha, right from 1968 ऑटोनॉमी देना चाहिए लिखा है, लेकिन ऑटोनॉमी लोग लेने के लिए तैयार नहीं है या देने के लिए तैयार नहीं है. ऑल वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली व्हिच वी आइडेंटिफाइड. व्हाई ओनली 10% कॉलेजेस हैव बिकम ऑटोनॉमस डिस्पाइट 70 इयर्स ऑफ आवर एफर्ट. देयर आर मेनी डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल. ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां ऑटोनॉमी मीन्स उनको लगता है कि ये ऑटोनॉमी मीन्स ये प्राइवेट हो गया, अभी मेरा जॉब खतरे में है, ऐसा एक अननेसेसरी डाउट आता है. गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि जो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उनका फैकल्टी का स्टाफ का सैलरी मिलते रहेगा, चिंता मत करो, लेकिन फिर भी एक मन में शंका है कि कहीं धीरे धीरे से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है करके इनके मन में. दूसरी तरफ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वहां कुछ जगह में अलग अलग है. एक जगह में ऐसा है कि ये मेरा क्यों अननेसेसरी दिमाग में ये अलग बोझा लेना है, सिलेबस सेट करना, एग्जाम लेना, जब यूनिवर्सिटी कर रहे हैं हमारा काम तो करने दो ना, हो व्हाई वी शुड कम देयर, ये नहीं चाहिए. तीसरा है, उनको भी लगता है कि ये करने से उनके स्टाफ और फैकल्टी को लगता है काम ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि खुद का बहुत सारा काम जो यूनिवर्सिटी करते हैं हमको करना पड़ सकता है, ये है. फोर्थ है, कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेज जब मांगता है तो NOC देना है तो देते नहीं है. द रीजन इज सम बेस्ट कॉलेजेस उनका जो रिसर्च आउटपुट है दैट इज काउंटेड इन द काउंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. अब उसको ऑटोनॉमी दे दिया तो हमारे हाथ से चला गया, तो उनका रिसर्च उनके नाम से जाएगा, ये हमारा जो क्वांटम है वो कम हो जाएगा. ऐसे अलग अलग कारण से लोग ऑटोनॉमी भी लेने के लिए तैयार नहीं है. तो मेरे ख्याल से ऑटोनॉमी जरूरी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का रेगुलेशन चेंज करे, नहीं तो जो भी उसको लीगली करना है, लेकिन देर शुड बी 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, who are giving degrees, who are research intensive and teaching intensive. अब वो जो आप innovation and entrepreneurship को आ रहे हैं वो सभी जगह में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह में. जो research type of universities है वहाँ high end products develop करने का scope ज्यादा है, क्योंकि you have got equipment, you have got good faculty with caliber, with foreign degrees. तो उसका एक outlook बहुत बड़ा होने की वजह से they can do high end research and suppose for example we are talking about 5G technologies to be taken in from outside, why should we should develop not 5G, 6G ka planning abhi se karna chahiye. To ye karne ki sambhavana wo research type of universities or research intensive universities mein hai, aur wo usse entrepreneur banenge, wo high end ke technology ke banenge. Dusra hai teaching jo intensive hai
वहां उनको टीचिंग में यदि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज के बारे में कोर्सेज दिए जाएंगे और वो सीड यदि सो किया जाएगा तो वो जब बाहर आएंगे तो जॉब नहीं ढूंढेगा, वो अपने आप एक 10 लोगों के लिए मैं जॉब क्रिएट करूंगा, छोटी कंपनी बनाऊंगा, ये जो कल्चर है वहां से भी आ सकता है, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट में भी आ सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कहीं भी रोक ठोक नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंडसेट चेंज का है। वो माइंडसेट चेंज बहुत जगह में आ गया है, इनफैक्ट फॉर्चुनेटली वी आर ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, ऑफिशियली थर्ड लार्जेस्ट करके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन नंबर्स द वे दे आर गोइंग रिसेंट डेटा नहीं है, तो इसलिए शायद हम सेकेंड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इतना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ से आ गया? इवन पीपल फ्रॉम IITs, NITs एंड बिग यू नो एंड वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, वो सब लोग बाहर जाते थे PhD करने के लिए और बाहर सेटल होने के लिए, मल्टीनेशनल का जॉब करने के लिए। IIT दिल्ली के डायरेक्टर ने अभी भी लास्ट ईयर बताया, इस साल जो बाहर गए अर्लियर 40-50% तक लोग बाहर जाते थे, अब वो सब इधर ही रह रहे। हार्डली 10% स्टूडेंट्स आर गोइंग, दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर हायर स्टडीज, नॉट फॉर ओनली जॉब पर्पजेज। तो ये जो परिवर्तन ऑलरेडी दिखाने लगा है, IITs ने कितने स्टार्टअप किए, कितना ही क्यों, GTU से मैं देखा हूँ कितने लोगों ने स्टार्टअप निर्माण किया है, कर्नाटक में देखा है, बेंगलुरु से कितने स्टार्टअप इमर्जिंग हो रहे हैं हर साल। तो मेरे ख्याल से इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो गया है थोड़े, उसको अभी हमको जैसे वो हम इंक्यूबेटर के बाद एक्सेलरेटर है ना, वो हमारा एक्सेलरेटर मोड में जाना है और हमारा पेडल को दबाने से अभी गाड़ी जोर से जाना चालू हो जाएगी, तो ये इम्पोर्टेंट है आज के। वंडरफुल सर। सर एक का सवाल ये है कि जो इंडस्ट्री एकेडमी की बात होती है, क्योंकि हम लोगों ने जब इनोवेटर्स को सपोर्ट करने की ढांचा बनाए हैं, एकेडमिक्स में माइंड के आसपास काम होता है, रिसर्च होता है, रिसर्च को ट्रांसलेशन करने की बात होती है, और फिर जब वो प्रोडक्ट या सॉल्यूशन बनता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस करने की जरूरत है। और कई बार स्टैंडअलोन अप्रोच में हमने ये पिछले 5 साल में देखा है कि स्टूडेंट्स को हम ग्रांट देते हैं, रिसर्च भी हो जाता है, फिर वो कुछ बना लेता है, लेकिन जब उसको टेस्ट करने की बात आती है, किसी इंडस्ट्री फैसिलिटी में पायलट करने की बात आती है या डिप्लॉय करने की बात होती है, वो इंटरफेस मिसिंग हो जाता है। इसकी वजह से रिसर्च तो अच्छा हुआ, बच्चों ने मेहनत अच्छा करी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन किसी का काम नहीं पहुंचता है। तो इस पॉलिसी के माध्यम से ये जो दो हिस्सा है ब्रिज का, इंडस्ट्री और एकेडमिया को, इसको इंटरफेस बनाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं? एकदम जरूर करनी चाहिए और कर रहे हैं। इनफैक्ट ये पॉलिसी में ज्यादा लिखा नहीं है, लेकिन ये पहले से ही चल रहा है, शुरू हो गया है। लेकिन मैंने जैसे कहा, सबको एक्सेलरेट करने का जरूरत है। अब हम जो वेलोसिटी थी हमारी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, तो उसको 20 जल्दी करना है, 40 मीटर पर सेकंड करना है, ये बहुत जरूरत है अभी। तो उसके लिए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटर करेंगे तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसलिए अभी हमारा प्रोग्राम जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ए टॉनिक, इज ए यू नो व्हाट, विटामिन for accelerating the entire system, whether it is economic system, education system and every system. So, हमारे देश में industry institute का जो interaction जो है वो बहुत कम पहले से ही है। जो आप देखिए, in the western world, in most of the places, in whether it is MIT, Boston area, in Massachusetts, or if you go to Stanford and surrounding area in the Bay Area, and many other small pockets in USA or similar pockets in Australia, Japan, Singapore, even China these days. So if you look at it, there is a very clear, very strong connect, not only between industry and academic institutions. Most of the new products have all come from institutions, not from the industry. The research done is in the lab scale, and when it is to be scaled up to the industry level, then industry comes into the picture. And for doing lab scale testing and lab scale research, paisa comes from the industry, not from the government. Government funding is limited. Government gives some money, no doubt. National Science Foundation, like our National Research Foundation, jo USA mein hai, they do fund. But uske alawa bahut sara fund jo hai, project ke roop mein, एक स्पेसिफिक अपना इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट को वो देते हैं और पैसा भी देते हैं और वो टेक्नोलॉजी ले लेते हैं और करते हैं। तो ये जो सिलसिला है वो वहाँ पावरफुली चल रहा था, इसीलिए वहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा से डेवलप हो गया। तो अभी हमारे देश में वो हमारा, मैं 50 साल का भी, मैं 40 साल से मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ और उसके पहले का भी सुन रहा था,
तो हम हमेशा बोलते हैं इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन सेल, वो हर कॉलेज में होना चाहिए। वो आईआईटी में भी था और सम कॉलेजेस में भी था, मैं जब स्टडी कर रहा था इंजीनियरिंग तभी से था। और उसका प्रोग्राम एक है, साल में एक प्रोग्राम करना है, वहाँ सारे इंडस्ट्री के जितने हो सकते हैं उनको, उस टाइम ईमेल नहीं था, चिट्ठी लिखना है, उसमें से 10-15 ला आगे वो एक सेमिनार हॉल में बैठेंगे, 40 फैकल्टी और 10 इंडस्ट्री, बातचीत किया और सब लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन होना चाहिए। ये स्टेटमेंट पहले से लास्ट तक पूरे दिन भर यही बात करेंगे, और बाद में वो खाना पीना चाय पी के चले जाते थे, फिर अगले साल फिर मिलते थे। और उस टाइम में इवन ये जो हमारा जॉब और जो प्लेसमेंट इंटरव्यू होता है वो भी नहीं होता था, देयर वाज नो प्लेसमेंट सेल। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आज सब कॉलेज में, एटलीस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट सेल तो सब जगह में, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स आर देयर, मे बी आज भी आर्ट्स कॉमर्स वगैरह में नहीं है लेकिन यहाँ है। तो उस समय में वही होता था, एक बाद में जब ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल बन गया, वो एक बार अपॉइंटमेंट करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए इंडस्ट्री आता था, और ये इंटरेक्शन का सेमिनार के दिन आता था, बाकी दिन कुछ संबंध ही नहीं हमारा तुम्हारा, तुम तुम्हारे घर में, हम हमारे घर में। तो वहां से लेकर अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ के, एक तो हमने इंटर्नशिप जो मैंडेटरी किया, एक्चुअली ये एक जितने इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़े हैं ये सब तो ये लास्ट 30 ईयर्स में बढ़े, इंडिपेंडेंस के टाइम में हार्डली एक 25 कॉलेजेस थे, और उस टाइम में शायद वहां नहीं था, उसी टाइम में करेक्टिव मेजर कर सकते थे। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज में देखिए, मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए हर मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल अटैच चाहिए, एंड ही गेट्स डायरेक्ट एक्सपोजर टू द डिसीजेस ऑफ द पेशेंट एंड व्हाट मेडिसिन आर डन, व्हाट टेस्ट आर डन एवरी डे, ही डज इट ड्यूरिंग द 4.5 years ऑफ द प्रोग्राम व्हेन थ्योरेटिकल नॉलेज इज गिवन यू नो मोर, बट देन ऑल्सो ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। बट द लास्ट 1 year without going through under the supervision of a senior doctor, he will not get a degree, he cannot practice. But engineering mein aap 4 saal ka, pehle 5 saal tha, maine to 5 saal ka engineering kiya, fir bhi main pakka engineer nahi bana, kaccha engineer hi tha, aur abhi to 4 hi saal ka hai, aur hum bahar aate hain aur directly job mein jaate hain to wahan dekhte hain, are ye to alag hi hai, humne to boiler dekha tha ya turbine dekha tha ya ac engine dekha tha, wo to itna tha, yahan to ekdam iske 10 guna bada hai, इसमें कैसे क्या होता है पता नहीं, विंड मिल देखा, ये छोटा सा टेबल टॉप इक्विपमेंट देखा, यहाँ तो एकदम 100 मीटर का ऊंचा है, ये सब चीजें जो है ना, ये इसलिए है क्योंकि हमने डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं किया। एक तो शुरू से जो इंजीनियरिंग कॉलेज नया नया खोल रहे थे उसके साथ ही जुड़ के एक छोटा इंडस्ट्री होना चाहिए, हर कॉलेज को एक इंडस्ट्री अटैचमेंट, एक अदरवाइज एटलीस्ट 5 MOU आप किसी ना किसी इंडस्ट्री से करो, उसके बाद ही आपको हम अप्रूवल देंगे। ऐसा कुछ करते ना तो ये नौबत शायद नहीं आती थी, लेकिन अभी हमने इंटर्नशिप मैंडेटरी किया, और इंटर्नशिप मैंडेटरी करने के बाद हर साल आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स, 1 मिलियन स्टूडेंट्स आर कमिंग इनटू इंजीनियरिंग, 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट अच्छा इंटर्नशिप कर रहे हैं आज के दिन, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 6-7 लाख स्टूडेंट को अच्छा इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया, वहां दोनों उनको भी जोड़ रहे, हमारे भी लोग जोड़ रहे, और मैच मेकिंग का एक्सरसाइज भी चल रहा है, नीट पोर्टल भी खोला है टू क्रिएट यू नो अवेयरनेस अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें होती रहेगी। बट सबसे महत्वपूर्ण आपने जो कहा कि ये इंडस्ट्री के साथ जोड़ जो है, इट इज नॉट सेमिनार बेस्ड, इट इज वी ग्रेजुएटेड, जैसे हम यूजी के बाद पीजी और पीएचडी करते हैं, वैसे इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन सिर्फ नहीं है, इंटरेक्शन इज ए बेसिक थिंग, इंटरेक्शन से ऊपर चढ़ के इंटर कोलैबोरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, कोलैबोरेशन से भी बढ़ के पार्टनरशिप होना चाहिए, दोनों मिलके ये करेंगे, तुम्हारा भी फायदा है मेरा भी फायदा है, विन विन सिचुएशन। ऐसा जब तक हम नहीं करेंगे वो हम पीछे रहते जाएंगे, एंड उसका एक थोड़ा सी संभावना अलग अलग तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल IIT मद्रास का जो रिसर्च पार्क इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल, यू कैन गो एंड सी इन दी, इट इज जस्ट आउटसाइड IIT के अंदर नहीं रखा है उसको, थोड़ा डिलिबरेटली बाहर रखा है, और वहां बाहर की 100-200 इंडस्ट्री को बुलाया है, छोटे मोटे स्टार्टअप, और फैकल्टी भी उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट इंटरेक्शन वहाँ एक्सट्रीमली ज्यादा हो रहा है, और वो नए नए प्रोडक्ट उनको देते हैं, ये उनका सीखते हैं। तो देखिये एक वाइब्रेंट क्लाइमेट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो गया उसे। अब वो गवर्नमेंट ने देखा, उन्होंने तो सेल्फ ड्रिवन किया था,
पैसा भी कहीं कहीं से जुगाड़ किया, लैंड भी जुगाड़ किया, वो सक्सेस देखने के बाद गवर्नमेंट ने अभी बाकी 4-5 IIT को बोला हम पैसा देंगे, करो तुम भी करो. तो आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिसेस आर फ्लोइंग लाइक दिस वन आफ्टर द अदर. और हम देखते हैं कि AICTE ने जो हर कॉलेज को कहा है कि 5 इंडस्ट्री के साथ आपको MOU करना चाहिए, और मैंने खुशी की बात है 40,000 MOU हो गए बिटवीन इंस्टीट्यूट. 10,000 हमारे इंस्टीट्यूशन है करीब करीब, उसमें से इंजीनियरिंग तो ओनली 3,500 के अंदर ही है, 3,300 वगैरह है, और उनका और इंडस्ट्री का MOU जो है वो 40,000 MOU हो गए. तो हमने 4-5 एवरेज में चाहिए बोला था, तो कई कई जगह में जस्ट 3-4 हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने 8-10 को भी किया है. तो आई थिंक दैट कल्चर इज ऑलरेडी ग्रोइंग. आई एम श्योर दैट इन द ईयर्स टू कम वी विल बी इन ए पोजिशन टू रियली ब्रिंग आउट प्रोडक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल टू सोसाइटी, सोशली रेलिवेंट एंड ऑल्सो कनेक्टेड विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल एट लार्ज. And also taking care of environment, ये भी important है. Environment and nature को ध्यान में रखते हुए नया product develop करना पड़ेगा for SDG, Sustainable Development Goal के लिए. Otherwise, कोई product develop किया और उसके 10 साल के बाद उसका इतना विपरीत परिणाम हो रहा है environment के ऊपर, वो product बंद करो, फिर उसका क्या होगा, ऐसे होगा. तो शुरू से ही design stage से ही, that is why design thinking is also important, ये भी किया जा रहा है. आई थिंक इंडस्ट्री के लोग सिलेबस मेकिंग में, क्लास लेने में, लेबोरेटरी का सपोर्ट करने में, प्रोजेक्ट देने में, स्टूडेंट को इंटर्नशिप देने में जब करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा. लेकिन मेरा यहाँ कोई इंडस्ट्री के लोग नहीं है, नहीं तो उनको भी मैं कहता था, लेकिन अभी यहाँ ज्यादा फैकल्टी है, तो फैकल्टी को और हमारे स्टूडेंट जो है जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट के साथ कुछ स्टूडेंट बॉडी भी होती है उसके साथ जुड़े हुए, उनको मेरा अपील है कि आप लोग 5-10 इंडस्ट्री को हर सेमेस्टर में जाना ही है, जाके पीछे ही पढ़ना है. देखो आप बोलते हो कि एम्प्लॉयबिलिटी कम है वगैरह वगैरह, और उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो आप क्यों नहीं हमको दिखाते, सिखाते क्यों नहीं? और ऐसा पीछे पढ़ के, नहीं तो आप ये बोलना बंद कर दो एम्प्लॉयबिलिटी इज ओनली 30%, 40%, ऐसा बोलना बंद करो, नहीं तो हमको स्कोप दे दो. ये हमको उनके पीछे लग के हम यदि करेंगे, और एक बार दोस्ती हो गई, उनको भी एक हाथ बार एक लेक्चर देने के लिए बुलाइए, चाय पिलाइए, गप मारिए, गप्पा होने से एक बार उनके और आपके बीच में एक बार अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, फ्रेंडशिप होती है, तब आपका चिट्ठी ईमेल वो एक्सेप्ट करते हैं. नहीं तो आप 100 लोगों को लिखो, मैं बताता हूँ इंडस्ट्री से 2 लोगों से भी आपको रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है ऐसे ही लिखते हैं, सीरियसनेस नहीं है. तो आपने पहले अपना सीरियसनेस दिखाइए, वो अपना सीरियसनेस भी जरूर दिखाएंगे, दिखाना पड़ेगा उनको. वंडरफुल सर. इनफैक्ट आपने तो पूरी रोड मैप बताया कि किस तरीके से पहले हम लोग सिर्फ रिचुअलिस्टिक रखते थे, और आपने जो कोशिश की है इस टीम में सिर्फ एक छोटा सा इंटरवेंशन किया कि हर एक कॉलेज को आसपास की 5 लोगों से करना है, तो 10,000 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर 40,000 को जोड़ दिया. तो कहीं ना कहीं ये आवर वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज नंबर्स, हमारे जो संख्या बल है उसको कहीं ना कहीं हम लिवरेज करने में कई बार पीछे छोड़ जाते हैं. और मुझे इस संख्या बल से एक बात याद आता है, आपने एक प्रयास भी चालू किया है जिसमें आप चाइना 15,00,000 पैटेंट फाइल करता है तो इंडिया 30,000 करता है. तो आपने एक प्रयास भी चालू किया है AICTE में, कहते थे कि 10,000 पैटेंट्स हम हर साल हमारे कॉलेजेस से निकाल सकते हैं, इतना क्षमता है, इतना काम हो रहा है. थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, वो जो रोडमैप है आपका कि हम नॉलेज मार्केट में बाकी सुपर पावर्स को कैसे कम्पीट कर सकते हैं. देखिए पेटेंट की जो बात है, हम हमारे कल्चर में हमेशा दोनों चीजें लोगों को दान, विद्या दान जो वो कहते हैं ना, हम हमारे शब्द में ही है विद्या दान, यानी हम कभी कमर्शलाइजेशन दिमाग में नहीं आता था. हमारी जो विद्या है, नॉलेज है, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है, सब दुनिया को देने के लिए है, और हमारे लिए रखना नहीं है, तो सबको बांटना है. यही हमारा फिलोसॉफिकली हजारों वर्षों से चल रहा है. वो वही एटीट्यूड होने की वजह से दूसरे लोग हमारा लेके जा रहे थे. आप जब जानते हैं कि नीम है या हल्दी है, इसके पेटेंट यूज करके हमको ही चार्ज करने वाला था, लकीली हम बच गए. तो ये जो हमारी जो संकल्पना है उससे थोड़ा बाहर हट के आज की जरूरत जो है, देखिए ऐसा नहीं है कि पेटेंट करने का मतलब कमर्शलाइजेशन ही करना चाहिए, ऐसे नहीं. कुछ जगह में कमर्शलाइजेशन भी करना चाहिए, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, हम जॉब निर्माण नहीं कर सकेंगे. तो आत्मनिर्भर भारत होने के लिए हमारी जो नॉलेज है, जो रिसर्च किया है, उसका पेटेंटिंग करना पड़ेगा बिफोर यू पब्लिश.
if you publish it as a research journal paper, because many times for promotion research publications are counted, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी आ गया तो उसको पहले publish कर दो करके, तो मेरा credit आ जाएगा, लेकिन उसके बीच में आपका patent नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पहले patent करने की जो संभावना है, training है, आपने तो बहुत अच्छा एक program चालू किया है patent करने के लिए, जो awareness program, उसकी पूरी workshop जो कर रहे हैं, तो ऐसा ही workshop पूरे देश भर में हम कर रहे हैं AICT की तरफ से अलग अलग पहलों में, और जो विजन रखा है कि मिनिमम 10,000 होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से 10,000 इज नॉट ए बिग चैलेंज। शुरू में थोड़ा लगता है कि क्योंकि अभी 1,000-2,000 भी नहीं हो रहे, तो 10,000 लगता है बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन एक बार चालू हो गया, हमारी यहाँ इनर्शिया ज्यादा है, न्यूटन्स लॉ जो है ना वो बहुत काम करता है इंडिया में। तो न्यूटन्स लॉ में क्या है, द बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन मोशन टिल द फोर्स इज अप्लाइड, और body will remain in rest till the force is applied and starts moving, you know, that is the principle of Newton's law. हम शांत आराम से बैठे हुए, उसको जोर से धक्का लगाना पड़ेगा, accelerate करना पड़ेगा, और एक बार motion में आ गया तो brake भी आसानी से नहीं लगता है हमारे यहाँ, वो गाड़ी जोर से दौड़ती है, तो वो दौड़ाने के लिए जो force है वो new education policy से मिल रहा है, government के policy से मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी हमेशा motivate जो करते हैं उससे मिल रहा है, और ये सब combination of forces जो है, मैंने कहा ना जे ये जे जो हार्मोन्स है, विटामिन जैसा है, इसको हमको मिल रहा है, तो इसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से ये आसानी से हमारे 10,000 पेटेंट्स होंगे, और वो पेटेंट जब और बढ़ेंगे तो उसमें से जो इनकम जनरेट होगा उससे और ज्यादा रिसर्च होगा, सो इट इज ए कंपाउंडेड थिंग। चाइना ओवरनाइट नहीं हुआ है, दे ऑल्सो हैड टू स्ट्रगल फॉर डूइंग दिस, तो हमको हम एक 20 साल पीछे है उनके उस एंगल से, उन्होंने वो थिंकिंग पहले की, लेकिन अभी वो हम उनको बीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखा हमने 59 उनके जो अलग अलग मोबाइल एप्स को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे स्टोर ने धड़ाधड़ डेवलप करना शुरू किया, और हमारे ओपन सोर्स भी है, ऐसा नहीं है कि सारे पेटेंट ही करना चाहिए, कुछ चीजें सबको देने के लिए भी ठीक है, जैसे मैटलैब के जगह में साइलैब, आप जानते हैं जो मैटलैब यूज करते हैं उनको चलता है कि देर इज ए ओपन सोर्स साइलैब। IIT बॉम्बे के जो कन्नन मौदगुले है, उन्होंने कॉम्पिटिशन किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो उसमें टूल्स होते हैं वो मैटलैब में है, क्योंकि इट्स ए कमर्शियल पैकेज, वो डेवलप इट बाय पेइंग लैक्स ऑफ रुपीज सैलरी टू पीपल, बट हमारे स्टूडेंट में इतनी ताकत है, उन्होंने ऐसे डेवलप कर दिए टूल बॉक्सेस विद इन नो टाइम, तो जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करना, उसको सपोर्ट करना, उसको बढ़ाना, ये नहीं होने की वजह से हम मार खा रहे थे। अब एक बार हमने शुरू कर दिया है कि देखिए हमारा इनोवेशन इंडेक्स भी 81st से 52nd तक पहुंच गया 4-5 साल में ही, तो ऐसे ही करते रहेंगे तो वो भी अच्छा होते रहेगा, पेटेंट भी होंगे कम, और जिसको लगता है कि मैं पेटेंट करने के बाद ये सबको फ्री में देने वाला हूँ, उसकी मर्जी है ना, वो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि चार्ज करना ही चाहिए, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं लोग, उनके लिए बांट दो हमारी टेक्नोलॉजी, 100 लोग ले लो, फॉर एग्जाम्पल सैनिटरी नैपकिन विच इज सो इम्पोर्टेंट, अब हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, पेटेंट की, तो मैं उससे पैसा बनाने के लिए बहुत आसान है करके चार्ज ज्यादा लगा के उसको कमर्शलाइज करूंगा। और दूसरा है गाँव गाँव में मिलना चाहिए, सो दैट हेल्थ कंडीशन विल इम्प्रूव ऑफ द वुमेन, ऐसा लगता है, तो वो टेक्नोलॉजी 100 गांव में बांट दो, वो हर जगह में छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करके वो उसको कंडीशन डालो कि आपको इसके कॉस्ट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो आई थिंक देयर आर वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एंड इफ यू डू दैट वी विल बिकम ग्रेट नेशन, एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो बोल रहे थे शुरू में ना, वो हो ही जाएगा, उसमें कोई संबंध नहीं। एब्सोल्युटली सर, आपकी ऊर्जा और आपकी जो पर्सपेक्टिव है ना, उसको देख के बाकी सारे बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि सर ने आज संडे को हमारे अंदर और एनर्जी डाले, और न्यूटन का नियम तो हम थोड़ा सा कंप्लाई करेंगे लेकिन रिवर्स करेंगे, सो दैट्स अ कमेंट आई कैन सी फ्रॉम फेसबुक। सो सर एक मुझे बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आप हमेशा बताते हैं, मुझे याद है जब आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में थे, और ये बात मैं इसलिए यहाँ पे सब सबके सामने रख रहा हूँ कि सीमित साधनों के बीच में असीमित संभावनाएं कैसे हो सकता है। जब आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में थे तो आपके पास स्टूडेंट्स आते थे सिविल इंजीनियरिंग से आए थे, और उनको उनको सैटेलाइट लॉन्च करना था, और उस टाइम पे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है तो साधन भी लिमिटेड होती है अपना अपने लेवल पे, तो फिर भी उन्होंने
23 साल तक मेहनत करी और सक्सेसफुल उन्होंने आईआईटी बॉम्बे की टीम्स को बीट किया था और सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए थे। थोड़ा सा उस कहानी जरूर मैं आज चाहूंगा कि उससे ये बात मैसेज जरूर जाएगा कि इस देश में कि जो पॉजिटिव सोचने वाले यूथ है उनको अगर मेंटरशिप मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। सो वुड यू लाइक टू ब्रीफली शेयर दैट स्टोरी सर, इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग। मैं बताने के लिए एक बार चालू करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था बिकॉज आई सडनली बिकम इमोशनल ऑल्सो, यू नो, अटैचमेंट विद दैट प्लेस, यू नो, ऑल्दो आई हैड वर्कड इन नॉर्थ ईस्ट नियरेस्ट ईटानगर 8 साल सेंट्रल गवर्नमेंट का, और आईआईटी जैसा शुरू करने के समय से ही वो उसके जुड़ा था, 11 साल डिप्टी डायरेक्टर तक रह चुका था, लेकिन एक छोटे कॉलेज में कंपेयर टू आईआईटी जाना और डायरेक्टर बन के, तो इट वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट, बट वो आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर ने मुझे फोर्स करके, और प्रोफेसर अशोक मिश्रा आप जानते होंगे कि उन्होंने मुझे कहा कि बायोडाटा दे दो, वहां मुझे भेजना है तुमको, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो डॉक्टर एफ सी कोहली हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ टीसीएस, आज जो टीसीएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है विथ मोर देन आई डोंट नो नाउ हाउ मेनी एम्प्लॉइज, 5 लाख फॉर हाफ ए मिलियन एंड इन सो मेनी कंट्रीज दे हैव गॉट यू नो शेप, एंड दैट वाज स्टार्टेड विद 6 एम्प्लॉइज बाय हिम, ए ग्रेट विजनरी। उन्होंने कहा कि इसको लाना है इधर, पकड़ के लाओ। तो मैं वहां गया तो देखा ए इंस्टीट्यूट ऑफ 160 ईयर ओल्ड स्टैंडिंग वेयर विश्वेश्वरैया स्टडीड एट वन टाइम, सम ऑफ द ग्रेट स्टैलवर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग वेयर यू नो बॉर्न फ्रॉम देयर, एंड दैट हैड बीन इन वेरी बैड शेप, एंड टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म दैट व्हेन आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी आई सेड दिस इज फाइन, नो अभी ये समझ में आया मुझे ये क्यों मुझे बुलाया गया है। तो तब से लेकर वो 9 साल जो रहा, each day was an experience for me, you know, wonderful experience, wonderful kids, jinko IIT mein nahi milta hai wo log wahan jaate hain, aur lekin wo state ke sabse behtareen student hote hain, aur because you know IIT culture jo hai wo 3-4 state mein zyada prominent hai, jaise Andhra Pradesh, Telangana jo hai, Bihar aur Rajasthan, wo jo Kota aur Patna aur Kanpur and Hyderabad, these are the centers, और सबसे बेहतरीन जो एजुकेशन सिस्टम ओरिजिनली था राइट फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम दैट इज बंगाल और महाराष्ट्र और तमिलनाडु, वहां से लोग आईआईटी में नहीं जा सकते क्योंकि वो कंपटीशन इतना हो गया है कोचिंग क्लास से वजह से। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट तो अच्छे आते थे लेकिन उनको मार्गदर्शन और करेक्ट आइडिया नहीं थी, तो हमने विद द हेल्प ऑफ एफ सी कोहली हु गेव लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू मी बिकॉज नाउ ही इज 96 बाय द वे, At 96, he still works from Tata Consultancy Services office in Air India building in Mumbai. So I think ऐसे आदमी के साथ मिलने के साथ हमको जो जोश आता है ना वो अलग बात है। तो एक स्टूडेंट था अभिषेक बाविस्कर उसका नाम, वो सिविल इंजीनियरिंग का है, उसको भी IIT में अप्लाई किया मिला नहीं, और COEP में मिला वो भी सिविल मिला, उसको कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट किया था IIT के लिए और CET जो होता है स्टेट का उसमें उसने इतना ध्यान नहीं दिया, और उसमें भी वो ब्राइट होते हुए सिर्फ CET करता तो उसको जो चाहिए मिल सकता था, लेकिन वो सिविल में आ गया। तो उसने समर में IIT बॉम्बे में एक IIT का जो क्या जज्बा होता है ना, तो उसके लिए वहां इंटर्नशिप लेके गया, वहां उसने देखा कि वो कुछ स्टूडेंट सैटेलाइट बना रहे थे, उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके पहले IIT कानपुर का जुगनू हो गया था और लॉन्च हो गया था, उसके भी पहले अन्ना यूनिवर्सिटी का एक सैटेलाइट लॉन्च हो गया था, तो दो हो गए थे और ये बॉम्बे IIT थर्ड वन इन द पाइपलाइन था। तो उसने आके कहा सर हम भी करेंगे, बोला तुम तो फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन ये हो सकता है कि इतने सिविल इंजीनियरिंग वाला हो फर्स्ट ईयर वाला हो तुम क्या करोगे जाओ करके, एक टीचर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर बोल सकता है, लेकिन मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके चैलेंजेस भी उसको ध्यान में आने चाहिए, सिर्फ मैं करूंगा बोलने से नहीं होगा, उसमें जो कष्ट है वो भी पहले से पता होने चाहिए, रोड ब्लॉक्स क्या आएंगे वो भी पता होना चाहिए। तो उसको मैंने एक घंटा बातचीत की, उसको कहा कि आपका टीम बिल्डिंग चाहिए, इसमें सिविल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और आपसे ज्यादा ज्ञान वाले सेकेंड थर्ड ईयर वालों को भी जोड़ना पड़ेगा आपको, और आप तो फर्स्ट ईयर वाले हो कैसे कन्विंस करोगे थर्ड ईयर स्टूडेंट को, नॉर्मली आप देखते हैं ना थर्ड ईयर वाला तो रैगिंग करता है सेकेंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर को, तो ये उनको समझा के कैसे लाओगे। तो उसने कहा सर मैं करूंगा, और उसने सही में 15 दिन में 25 लोगों का टीम बनाया और वो कंटिन्यूअसली काम किया, हमारे यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं था फैकल्टी में, ओनली पैटिंग ऑन द बैक सेइंग दैट यू हैव अ गुड आइडिया एंड पैसा भी नहीं है ज्यादा लिमिटेड, थोड़ा सपोर्ट दे सकता हूँ, एग्जिस्टिंग लैब फैसिलिटी लेके करना है, और वो करते गए और एक बैच से दूसरे बैच को बैटन ट्रांसफर होता है ना
रिले रेस में, वैसे एक बैच ने जो भी किया था जिसमें फेल हो गए थे या सक्सेस हो गए थे उसको दूसरे बैच को बताते बताते, इट टुक 7 years, बट दैट दैट यू नो दैट स्पिरिट वाज नेवर नेवर डाई स्पिरिट वाज देयर. एंड वो बाविस्कर हैड ऑलरेडी गॉन टू यूएसए एमएस करके पीएचडी कर रहा था और हर बैच के स्टूडेंट ग्रेजुएट होके बाहर जा रहे थे, लेकिन वो वहां से भी देते थे इंफॉर्मेशन वगैरह एज एन अलुमनस. और उन्होंने इतना अच्छा बनाया कि आईआईटी बॉम्बे बीच में रास्ते में छोड़ दिया, उन्होंने बना रहे थे लेकिन उन्होंने आधे में छोड़ दिया. हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ रहे थे लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को इसरो बुला नहीं रहे थे क्योंकि उनको जो अनुभव था. अब ये यहाँ अन्ना यूनिवर्सिटी कानपुर आईआईटी सैटेलाइट तो लॉन्च हुए लेकिन वो जो सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद उसको बाद में जो उसका डेटा लेना, उसको एनालिसिस करना और आगे बढ़ाना, ये दोनों ने किया ही नहीं था. एक हाथ दो स्टूडेंट इन्वॉल्व थे लेकिन देर वॉज नो कंटिन्यूटी देयर. तो देयर फॉर इसरो वाज थिंकिंग इतना पैसा खर्च करके लॉन्च करने के बाद उसको उपयोग ही नहीं है. तो हमने यहाँ हमारे सिस्टम में इतना अच्छा बनाया था सीओईपी में, तो वो स्टूडेंट एक दो बार जब बुलाया गया इसरो में जो प्रेजेंटेशन किया, देवर कंप्लीटली क्या बोलेंगे, वो तो अचरज हो गया. हमारे साइंटिस्ट जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं उनको जो नहीं आता है आपके स्टूडेंट को आता है और मेथोडिकली आपके काम कर रहे हैं. तो पहले हमारा एमओयू साइन करने के लिए इसरो आगे पीछे कर रहा था, वो दो मीटिंग के बाद सरस्वती जी आप कब आके साइन करने वाले हो, ऐसे चालू हो गए इसरो से. आई थिंक दैट इज ए मोटिवेशनल स्टोरी दैट स्टूडेंट्स गिवन एन अपॉर्चुनिटी गिवन द स्कोप दे कम आउट ऑफ दैट. इतना ही नहीं है, मैं अभी स्टार्टअप के बारे में बताऊंगा. एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, दे वर टीचिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड डू नॉट नो. क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो सीबीएसई से कुछ कुछ लोग ऑलरेडी 12वीं स्टैंडर्ड में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख के आते हैं, तो फर्स्ट ईयर का C++ प्रोग्रामिंग या वट एवर वी हैव गॉट कोर्स वो आसानी से उनको आता है. लेकिन बहुत सारे गांव से आए हुए छोटे जगह से 12वीं करके आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, उनको आता नहीं था प्रोग्रामिंग. तो ये उनको हेल्पलाइन जैसा वो करने का उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया. उसके बाद उन्होंने उसी को स्टार्ट बढ़ाते बढ़ाते एक फर्स्ट ईयर, वो भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट थे. देखिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का भी कितना टैलेंट हो सकता है. तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये सब लोग डर डर के आते थे मेरे इसमें, क्योंकि पहले वाले प्रिंसिपल डायरेक्टर के बारे में उन्होंने सुना होगा तो उसी हिसाब से आते थे. तो सर मैं कमीन सर प्लीज आ जाओ, क्या भाई बेटा क्या है, चाय पीता हो क्या, ऐसे बोलने वाला डायरेक्टर कभी कम मिलते हैं ना स्टूडेंट को भी चाय पिलाने वाला. तो फिर वो ओपन होते थे, देन दे विल से सर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, एक ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलप किया और लास्ट ईयर में मैंने ऑलरेडी $5,000 इनकम भी किया है ऐप डेवलप करके. तो अरे तुम पढ़ाई छोड़ के ये क्या कर रहे हो, ऐसे बोलने के बजाय मैंने कहा चलो अच्छा है. तो हमारे इंस्टीट्यूट में फैकल्टी को भी बैठने के लिए जहां जगह कमी थी, दो लोग शेयर कर रहे थे, वहां एक कोने में एक छोटी रूम थी, वो स्टोर को खाली करवा के उन लोगों को बैठने के लिए जगह दिया स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को. आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. एक्चुअली हमारी जो इनोवेशन काउंसिल्स की बात कर रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन में, वहां एक वर्कशॉप लेबोरेटरी स्टूडेंट को यूज करने के लिए 24/7 अवेलेबल कीजिए. छोटी मोटी फाइनेंस ज्यादा नहीं लगता है, मैं बता रहा हूँ आपको, छोटे मोटे 10-20 हज़ार रुपए का कुछ सामान कभी कभी लगता है उसको दे दीजिए, इक्विपमेंट यूज करने के लिए अलाउ कीजिए, चाबी लैबोरेटरी के उनके हाथ में दे दीजिए. डोंट वरी दैट ही विल दे विल डैमेज द इक्विपमेंट, ये जो मन में शंका होती है ना उसको निकाल दीजिए. इनफैक्ट आप नहीं देते हैं ना, जब पूछते हैं तब उनको दिमाग में आता है कि इसको तोड़ देंगे क्योंकि मुझे नहीं दे रहा ना काम करने के लिए, ऐसा लगता है स्टूडेंट के मन में. यदि आप ओपनली उनको इन्वाइट करके देंगे तो दे विल डू आउट ऑफ द बॉक्स एक्सलेंट इनोवेशंस एंड दैट इज व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी. वंडरफुल सर, ग्रेट. आई थिंक ये स्टोरी मैंने ये स्टोरी कई बार सुना है आपसे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर की बच्चे अगर इतना अच्छे काम कर सकते हैं तो हमारे पास 30-40 लाख बच्चे पूरे देश में हैं. सो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट नागार्जुन सर टू पिक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हिज साइड. आई थिंक काफी समय बीत चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, लोगों ने सेशन में कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं. देख रहा था मैं, बहुत सारे आ रहे हैं सर. फेसबुक में भी है कमेंट्स सर. Somebody has given a compliment. Adil ji is saying Professor Anil looks like Rabindranath Tagore and his words are also Rabindranath Tagore. So this is a compliment to you, sir. नहीं नहीं मैं उतना तो बड़ा नहीं हूँ भाई, मैं तो छोटा आदमी हूँ. सर जो आपने कॉलेज में ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क बहुत ही कम रिसोर्सेस में कैसे किया जाता है एक एग्जांपल दिया, तो आपका सजेशंस क्या है कि जो वाइस चांसलर्स हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के
या कॉलेजेस के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग स्टूडेंट्स का और जॉब क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? मेरा सजेशन बोलिए, एडवाइस नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सजेशन कहूंगा, क्योंकि कई लोग मेरे उम्र के होंगे और वो भी अनुभवी होंगे, काफी अच्छे भी होंगे, तो मैं सजेशन के रूप में कह रहा हूँ कि मैंने जो उदाहरण दिया मेरा खुद का, वो एक इम्पोर्टेंट आपके लिए, एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज है। दो चीजों के बारे में बोल रहा हूँ। एक तो हम स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज आर कंटिन्यूसली चेंजिंग and therefore lifelong learning is important। ये हम बार बार हर सेमिनार में बोल रहे हैं कि आप ग्रेजुएट होने तक जो सिलेबस में पढ़ाई किया वो by the time you graduate becomes probably outdated, some new technology has come and you have to learn it on your own। जब ये स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं, क्या टीचर्स, क्या HODs, क्या डीन्स, क्या प्रिंसिपल्स, क्या डायरेक्टर्स और वाइस चांसलर्स और AICT चेयरमैन खुद वो कर रहा है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। जब हम ये नहीं करेंगे और दूसरों को यदि सिर्फ बोलते रहेंगे तो वो परिणाम नहीं आता है। वो हमारा वो आपको वो भी स्टोरी बोली दूंगा अभी जब आप मौका आ गया है। जो जैसे महाराष्ट्र में वो रामदास स्वामी जी थे, तो उनके पास एक माँ लेके गई एक बच्चे को और बोल रहे ये बहुत गुड़ खाता है। उस टाइम में शक्कर नहीं था ना, तो गुड़ बहुत खाता है, उसको खाने के लिए बंद करने के लिए बोलिए। तो उन्होंने हाँ बोला, कल आ जाओ। तो कल आ गई, कल फिर हफ्ते के बाद आओ, हफ्ते के बाद आओ, और आती रही बेचारी वो माँ और बेटे को लेकर, वो कभी बोले ही नहीं उन्होंने और कुछ नहीं हुआ, तो बहुत तंग आ चुकी थी। लेकिन एक दिन सडनली उन्होंने बोल दिया, बेटा गुड़ खाना बंद कर दो। तो माँ बोल रही, अरे ये तो पहले दिन ही बोल सकते थे आप, अभी इतना एक महीना डेढ़ महीना टाइम पास क्यों किया। तो वो रामदास स्वामी जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं खुद गुड़ खाता था और मैं कौन से मुंह से बताऊं कि बेटा तुम मत करो करके, तो जब तक मैं बंद नहीं करूंगा तब तक मेरा अधिकार नहीं है। तो इसलिए मैंने वो प्रैक्टिस किया। पहले तो बहुत कष्ट से दिन में चार बार खाता था, दो बार किया, एक बार किया, आठ दिन हो गया, फिर हफ्ते में एक बार खा रहा था, फिर जब मैं लास्ट एक पूरे हफ्ते में नहीं खाया तो अभी मेरे इसमें मॉरल ताकत आ गई कि मैं बोलने के लिए। तो वैसे ही हमारे फैकल्टी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रैक्टिशनर्स पहले होने चाहिए, देन स्टूडेंट को ये बोलना चाहिए। दूसरा है, हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बोलते हैं। इंडस्ट्री वांट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दिस कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, ओनली देन दे बिकम एम्प्लॉयबल। ये बार बार कहते हैं, लेकिन हम कम्युनिकेशन स्किल्स यानी हमेशा एक दिमाग में है कि ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आई एम एबल टू tell you what I am wanting to say, and probably I don't know how effective I am or not effective, but whatever is in my mind, correctly transmitting it to the viewers or audience is the communication skill. Aisa ek dimag mein logon ko hai, yani baatchit, bhashan karne ka. Lekin this is only one skill. The other skill is actually writing skills. हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, हमारे आंसर बुक्स है, आपको आता है लेकिन सही नहीं लिखा तो एग्जामिनर को पता नहीं चलता है आपको आता है कि नहीं। तो इसलिए राइटिंग स्किल्स इज आल्सो ए कम्युनिकेशन, यू आर कम्युनिकेटिंग व्हाट यू नो टू द एग्जामिनर। द थर्ड वन इज रीडिंग स्किल्स इज आल्सो कम्युनिकेशन, दैट इज ए रिवर्स कम्युनिकेशन, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द बुक टू यू एंड देयरफॉर रीडिंग स्किल। 200 पेज का बुक या 300 पेज का रिपोर्ट हाउ दो घंटे में हम पढ़ सकते हैं, दिस इज अ रीडिंग स्किल। बट सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट स्किल इज ए लिसनिंग स्किल, और ये लिसनिंग स्किल जो है ये बहुत धीरे 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 सबके इसमें कम हो रहा है, स्टूडेंट्स में भी कम हो रहा है। क्लासरूम में देखिए 8-10 मिनट के ऊपर अटेंशन स्पैन नहीं है। हम हमारे टाइम में तो 50 मिनट का क्लास पूरा का पूरा अटेंशन में नोट्स लिखते बैठते थे, कैसे टीचर लिख रहा है बोर्ड में हम लिख रहे थे। अभी 10 मिनट में वो मोबाइल निकालता है और ये वो व्हाट्सअप देखता है, फेसबुक देखता है। तो ये लिसनिंग स्किल्स स्टूडेंट्स का कम हो गया। स्टूडेंट्स का सिर्फ नहीं, टीचर का क्या हाल है, टीचर का भी वही है। और कोई जाके स्टूडेंट कुछ आइडिया बताने के लिए जाता है तो उसका दो सेंटेंस बोलना था, उसके आधा सेंटेंस में आई नो व्हाट यू वांट टू से करके उसको बंद ही कर देते हो। और वो ज्यादा ज्यादा हायर लेवल में जब जाते हैं तो लिसनिंग स्किल्स और भी कम होता है। तो यदि आप स्टूडेंट को भी लिसन करेंगे, आपके स्टाफ का भी लिसन करेंगे, एक दो मिनट लगता है ज्यादा, लेकिन उसमें से बहुत सारी नई आइडियाज जो आएगी उसको आप प्रोत्साहन करेंगे, a lot of innovations, entrepreneurship and startups are certainly possible, and there is a big role for all teachers. My appeal to teachers is become good listeners also. One way communication, two way communication is very very important and effective.
And I think I have answered more than what you wanted out of this. Yes, sir. बस सर ये सिलसिला में बस एक आखिरी सवाल पूछ के फिर हम आपसे विदा ले सकते हैं कि ट्रांसलेशनल रिसर्च जब होता है टू प्रोडक्ट है एंड देन टू मार्केट और डीप टेक्नोलॉजी रिसर्च जो खास करके अभी नया इमर्जिंग है और फ्यूचर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है तो उसमें मोर एंड मोर रिसर्चर्स इन पीजी एंड पीएचडी लेवल में जो हैं ऑलरेडी और वो लोग जर्नी फ्रॉम माइंड टू मार्केट कैसे करना चाहिए कि वो जब रिसर्च कर रहे हैं तभी से एक मार्केट के साथ ओरिएंटेशन के साथ कैसे काम करें उसका कुछ आपकी तरफ से आइडियाज. तो रिसर्च स्कॉलर जब ज्वाइन करते हैं पीएचडी के लिए दे आर नॉर्मली इन सम इंस्टीट्यूशंस इन एडवांस अटैच्ड टू ए गाइड. इन सम केसेस देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज आस्क्ड एंड देन दे डू सम कोर्स वर्क फॉर वन सेमेस्टर एंड ऑफिशियली सम पर्सन विल बिकम द गाइड. बोथ मॉडल्स एग्जिस्ट बट इन आइदर केस either the problem statement for the research is given by the faculty member to the student and he starts developing that by reading more material, literature, survey, then a more in-depth understanding through books also, internet also is one side. Other side, sometimes student himself comes out with an idea and tells the guide that I have this idea, I want to explore this. So, dono system mein, mere khayal se, jo bhi hum kar rahe, there are white spaces, jahan research bahut kam hua hai, जहाँ स्कोप ज्यादा है. पीएचडी भी जल्दी होगी, रिसर्च पब्लिकेशन भी मिलेंगे, पेटेंट भी मिल सकते हैं. ऐसे एरियाज को चूज करना ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, व्हाट एवर रिसर्च आई डू विल इट बी ओनली ए थीसिस व्हिच इज टू बी केप्ट इन द अल्मीरा और विल इट हैव सम पर्पस सब्सिक्वेंटली. ये जब दिमाग में गाइड के भी आता है और स्टूडेंट के भी आता है तो ये पहला स्टेप है जर्नी का. ये यदि पहले स्टेप में ही चालू हो जाता है तो मेरे ख्याल से उसके बाद में वो हमेशा जब भी रिसर्च कर रहा है वो एंगल हमेशा अपने दिमाग में रखेगा. तो जो भी रिसर्च प्रोडक्ट आउटपुट आने वाला है हाउ इज इट गोइंग टू बी यूजफुल टू द स्टेक होल्डर द क्लेमेंट हु इज गोइंग टू यूज दिस. तो आप कुछ नया डेवलप कर रहे हो, एक नया मशीन डेवलप कर रहे हो, विल देर बी अ डिमांड फॉर दिस, विल दिस बी यूजफुल, विल दे टेक इट. देयर आर टू वेज, वन इज यू डेवलप समथिंग एंड विद स्ट्रांग मार्केटिंग push that into the market. That is what people do. वो अलग अलग टाइप के चॉकलेट है, ये है, मैगी है, वो एडवर्टाइज के जरिए वो आपको फोर्स करते हैं. लेकिन the other ones are where there is actual usefulness and because of usefulness I want to buy it. ऐसे लोग जो है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझ के वो रिक्वायरमेंट को आपके रिसर्च में आप जोड़ देंगे. तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग 4-5 साल लगता है पीएचडी करने में, तो उस 4-5 साल में आपका प्रोडक्ट जो आएगा बाहर उसका नॉट ओनली पीएचडी थीसिस उससे से आएगा, पीएचडी डिग्री मिलेगी, लेकिन एक प्रोडक्ट जो बना है उसको आप आगे बढ़ा सकते हो. लेकिन सेकेंड थर्ड ईयर में जब है तब हम एक तो मार्केट सर्वे हाउ इट इज यूजफुल, कितना मार्केट है उसका स्टडी, दूसरा हु विल सपोर्ट फॉर फंडिंग इफ आई स्टार्ट माई ओन इंडस्ट्री और माई ओन स्टार्टअप, ये भी ध्यान में रखते हुए करेंगे. एक दो कोर्स उसका भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे. तो मेरे ख्याल से बाय द टाइम यू आर इन द फोर्थ फाइव्थ ईयर एंड सबमिटिंग द थीसिस यू विल हैव अ बिजनेस प्लान इन प्लेस, यू विल हैव सम मेंटर इन प्लेस, यू विल हैव सम इन्वेस्टर इन माइंड एंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस यू नो यू हैव अ ग्रेट आइडिया, यू हैव अ मेंटर हु विल सपोर्ट यू इन ऑल वैरायटी ऑफ थिंग्स, समवन विद लीगल एक्सपर्ट टू मेक यू रजिस्टर योर स्टार्टअप और व्हाटएवर एंड देन manufacturing capability from the institute itself in an incubator and then support system of the institution in terms of all the requirement because you are not in a position to pay rent for the services that are being provided by the institute. So that all exercise will go on and some angel investor or someone would have been also in the pipeline. I'm sure that PhD is not just thesis, it will become a product, it can become a startup. तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट इज द फर्स्ट ईयर व्हेन यू जॉइन. वो वहां से लेकर आइडिया से लेकर बाहर निकल के हम जाएंगे. तो आई थिंक आई हब इज डूइंग अ स्प्लेंडिड जॉब, आई कांग्रेचुलेट यू. आई थिंक ओनली स्टेट वेयर सच ए मैसिव स्केल में एक्शन हो रहा है. मुझे अभी भी उसने बताया कि 35 लाख स्टूडेंट्स अटेंडेड योर 100 इनोवेटर्स प्रोग्राम. कांग्रेचुलेशंस टू यू नो बोथ नागराजन जी और मेरा फ्रेंड हिरणमय जी एंड मोर सच पीपल शुड कम फॉरवर्ड. More Hiranmayas are needed, more Nagarajans are needed, and they will all be created in this country and will become Atmanirbhar. Thank you, sir. Thank you very much. आपके आने से हम लोगों को भी बहुत प्रोत्साहन मिला है. और जैसे कि आप टीचिंग फील्ड से हैं तो
हमारा टारगेट भी यही रहता है कि गुजरात के जितने भी फैकल्टी हैं, गवर्नमेंट में हो, ग्रांटिंग एड में हो, टेक्निकल में हो, हायर में हो, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हो, इंस्टीट्यूशंस में हो, हम सबको एक साथ लेके जाना चाहते हैं। और आई हैव वही रोल कर रहा है कि आप मेंटर को ठीक कर दो तो स्टूडेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग उस तौर पे जा रहे हैं, और आईपीआर कोर्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, उसमें भी एआईसीटी और आपकी तरफ से इतना हमको प्रोत्साहन मिला है कि 5200 जो लोग हैं गुजरात में और बाहर से भी सब ये कोर्स ले रहे हैं। तो हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि एक बेस ऐसा बन जाए कि हम एक छलांग मार के आगे जा सके रिसर्च में। जैसे कि चाइना में पैटर्न की बात हुई थी, तो हम भी नॉलेज इकोनॉमी बनना है तो चाइना को टक्कर नॉलेज में भी देना ही पड़ेगा, और आत्मनिर्भर में वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा, और उसमें बहुत सारी इनोवेटिव इनपुट्स, थॉट्स, एक्शन आइटम्स और इंस्पिरेशन आपकी तरफ से आज हमको मिला है। तो आप बार बार तो हमारे कहने पे तो आते ही हैं, तो हमारा सपोर्ट, हम आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। एक लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा सा रिप्लाई दिया है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जी सर, एवरी एजुकेशन पॉलिसी इज ऑलवेज स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स फोकस। आई वुड लाइक टू लर्न हाउ मच दिस फोकस ऑन फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स इज देयर इन दिस पॉलिसी। तो आपने जो कहा अभी उसको कनेक्ट करते हुए, द पॉलिसी इज ऑलवेज लर्नर फोकस्ड एंड हैज टू बी, एंड लर्नर इज सुप्रीम। लाइक हम बिजनेस में कस्टमर इज सुप्रीम बोलते हैं, वैसे ही यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज लर्नर, दैट मीन्स स्टूडेंट। बट स्टूडेंट के साथ फैकल्टी आल्सो शुड बिकम लर्नर, देन इट बिकम्स टीचर एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, और ये दोनों का है। और दूसरा, स्टूडेंट आते हैं जाते हैं, दे आर लाइक इन ए ट्रेन। आप लोकल ट्रेन बॉम्बे में मैं देखता हूँ, एक स्टेशन में इतने लोग चढ़ते हैं, दूसरे स्टेशन में कुछ लोग उतर जाते हैं, वैसे हमारे ट्रेन में स्टूडेंट हमेशा आते रहते हैं, 4 साल रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन टीचर जो है एक बार आ गया तो 30, 35, 40 साल जब तक रिटायर नहीं होता है तब तक रहता है। तो इसलिए टीचर फोकस इज इम्पोर्टेंट इस पॉलिसी में, टीचर ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। और मैंने जो जो कहा कि टीचर की क्वालिटी जो जो होनी चाहिए उसका ट्रेनिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग होना चाहिए। स्टूडेंट को जैसे पीएचडी स्टूडेंट को स्टार्टअप के लिए पहले से सोचना चाहिए, वैसे टीचर को भी मेरा रोल क्या है इन द नेशन डेवलपमेंट, यू नो नेशनल डेवलपमेंट, मेरा क्या योगदान होना चाहिए, ये पहले दिन से उसके दिमाग में रहेगा तो टीचर और स्टूडेंट मिलके हम बहुत बड़ा एक पैमाने पर भारत को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल हु हैव जॉइंड अस ऑन Zoom एंड Facebook लाइव, एंड उन सब के लिए मैं ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई हैव और हमारी टीम की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए टाइम दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज आपका सेशन हमने सब यूनिवर्सिटीज को ब्रॉडकास्ट भी किए हैं, तो डेफिनेटली आपने बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बताए हैं और इन आइडियाज को हम एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो आई थिंक वो न्यूटन वाला थ्योरी आज दिमाग में आ गया है, इनर्शिया को कमजोरी नहीं ताकत में कन्वर्ट करना है, उसको हम आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू। वंडरफुल।